सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में आपने क्या सीखा था? तो कि प्रीवियस वीडियो में आपने सीखा था कि हमें हमारी कोई कंपनी है, ठीक है, उसकी वेबसाइट में आपकी आपकी कंपनी के जो टाइमिंग वगैरह है वो शोकेस करवाना है, ठीक है, आपके वर्किंग आवर शोकेस करवाना है। तो आप कैसे करवा सकते हो वो हमने एक मॉड्यूल की हेल्प से सीखा था। और वो मॉड्यूल कौन सा था? QI एडोन, जो हम फ्री एडोन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसका एक वर्किंग आर करके एक मॉड्यूल है फ्री में, ठीक है, उसका यूज़ करके हमने वर्किंग आर का शोकेस करवाया था, ठीक है। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि हमें जो जैसे कि एलिमेंटर है, ठीक है, वो भी बटन प्रोवाइड करवाता है, बटन का मॉड्यूल, हम जैसे बटन ऐड करना है, ठीक है। तो फिर आपको जैसे कि क्रिएटिव बटन चाहिए कि होवर एनिमेशन हो, ठीक है, एच ओवर एनिमेशन आए, ठीक है, जैसे ही कर्सर वहाँ पे मूव करे तो अलग तरीके का एनिमेशन आए, फिर ड्यूल टेक्स्ट हो गया, जैसे ओवर करे तो अलग तरीके का टेक्स्ट दिखे। तो वैसा चीज़ आपको या तो कस्टम, मतलब खुद से HTML CSS से मतलब टाइप करके मतलब यहाँ पेस्ट करो, या फिर एक जैसे कि हम दूसरा एक एडोन यूज़ कर रहे हैं, एसेंशियल एडोन, ठीक है, एक उसका मॉड्यूल है। तो वो हम आज सीखेंगे कि हमें क्रिएटिव बटन ऐड करना है तो कैसे ऐड कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट एनिमेशन वाला, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना रहेगा, सबसे पहले अपाचे MySQL एज़ुर स्टार्ट कर देना और डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना। तो डैशबोर्ड में लॉगिन करते ही कोई दो प्लगइन अपडेट है और एक थीम, तो पहले थीम अपडेट कर लेते हैं, ठीक है। थीम अपडेट करने के लिए यहाँ पे चलो ये एक्स्ट्रा थीम ही है, तो इसको पहले अपडेट कर लेते हैं और बाद में जो दो प्लगइन है उसको भी पहले अपडेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अपडेट हो रहा है, उसको होने दो। और ये 2024 वाली थीम है, 2023 वाली और 2022 वाली। चलो हमारी थीम अपडेट हो चुकी है, अभी प्लगइन्स में देखते हैं, तो प्लगइन भी अपडेट कर लेते हैं, ठीक है। कॉल नाउ बटन, ठीक है, इसको अपडेट कर लेते हैं, इसको भी कर ही लेते हैं, अभी इसकी ज़रूरत तो नहीं है पर फिर भी कर लेते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे मतलब प्लगइन्स वगैरह यूज़ किया है, टोटल 24 प्लगइन यूज़ किए यहाँ पे, देख पा रहे हो, ठीक है। WP फॉर्मूला, टेस्टिमोनियल, प्रेस टेबल, सॉरी टेबल प्रेस, स्टार्टर टेम्पलेट, स्लाइडर्स, मॉस, काफ़ी सारे हमने यूज़ करके रखे हैं, ठीक है। तो कॉल नाउ बटन तो हो चुका है अपडेट और ये भी हो चुका है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो डेमो पेज है उसी में वर्क करेंगे। तो पेजेस में जाते हैं, ठीक है, तो हमारा डेमो पेज है, व्यू करते हैं और उसके बाद उसको एडिट विथ एलिमेंट है, ठीक है। तो भी ये एडिट पेज ओपन, और मतलब सॉरी डेमो पेज हमारा ओपन हो चुका है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, एडिट विथ एलिमेंटर, ये हमारा एडिट पेज ओपन हो चुका है। तो बॉटम में आते हैं हम, ठीक है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये सीखा था वर्किंग आर का, ठीक है। अभी अभी क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे बटन लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बटन लिख दिया मैंने, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये जो बटन है, ठीक है, ये वाला मॉड्यूल पर्टिकुलर, तो ये एलिमेंटर खुद का है, ये तो सिंपल है, जैसे ओवर करो मतलब आप टेक्स्ट वगैरह तो चेंज नहीं होगा और ये एनिमेशन भी उतना मतलब सिर्फ मतलब कि कलर वगैरह चेंज हो सकता है, ऐसा वगैरह हो, ज़्यादा कुछ यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। और ऐड करना हो तो आपको कस्टम CSS यहाँ पे ऐड करनी पड़े,
तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमेंटर का जो प्रो वर्जन है ठीक है, वो आपको परचेस करना पड़ेगा ठीक है। आपको वो ना करना हो और आपको थोड़े से क्रिएटिव बटन चाहिए तो आप कैसे ऐड कर सकते हो, यहाँ पे फिर से मैं बटन लिख दिया। अब यहाँ देख पा रहे हो कि जैसे कि ये क्रिएटिव बटन एक मॉड्यूल है एसेंशियल एड ऑन का, यहाँ पे देख पा रहे हो, ये यहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अभी भी बटन टेक्स्ट क्या दिख रहा है, क्लिक मी एंड बटन सेकेंडरी टेक्स्ट है गो ठीक है। इसको ये ऐसा का ऐसा ही रहने देते हैं ठीक है। और यू आर एल भी हैज लिंक है तो ठीक है, उसकी कोई नीड नहीं है, चलेगा। हैज लिंक का हैज लिंक जो है वो रहने देते हैं, काम करते हैं ठीक है। अभी आइकन वगैरह, चलो आइकन भी ऐड कर लेते हैं कोई एक, चलो आइकन में मैं लेता हूँ ये वाला ले लिया ठीक है। तो ये आइकन ले लिया मैंने, फिर इसकी पोजीशन के आफ्टर चाहिए, या मतलब ये टेक्स्ट है उसके बिफोर और आफ्टर ठीक है। अभी आइकन स्पेसिंग वगैरह, चलो ठीक है, इतना एक काम करते हैं, आइकन नहीं रखते ठीक है फिलहाल। अभी यहाँ से वो भी हटा देते हैं ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट प्रीमियम वर्जन है, यहाँ पे सिर्फ आप कंटेंट ऐड कर सकते हो, फिर सारा जो चीज़ें मतलब हरकत करेगी वो स्टाइल में होगा ठीक है। अभी जैसे ही मैं यहाँ पे डिफॉल्ट स्टाइल है ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मतलब चेंजेस वगैरह नहीं हो रहा, जैसे ही मैं ओवर कर रहा हूँ कुछ चेंजेस वगैरह नहीं हो रहा ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ देख पा रहे हो कि 1 2 3 4 5, ये जो पांच है ठीक है, पांच स्टाइल हमें फ्री में मिली है और बाकी की जो जितनी भी है वो प्रो में है ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये डिफॉल्ट तो है, ये दूसरी वाली लेते हैं ठीक है। अभी जैसे मैं और करूँगा, देख पा रहा, क्लिक मी गो, क्लिक मी गो, क्लिक मी गो। अभी ये सेकंड लेते हैं, तो यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा मुझे, तो ये कैसे होगा, सही क्लिक पे होगा नहीं, ये क्लिक पे भी नहीं वर्क कर रहा है। तो थर्ड वन लेते हैं, थर्ड वन में तो एनिमेशन होना चाहिए, नहीं हो रहा क्यों भाई, एक ही एनिमेशन वर्क कर रहा है क्या। ओके फोर्थ वन, हाँ ये अच्छा आया ना चीज़ कुछ, तो जैसे कि ये क्रिएटिव बटन हो गए, चलो दो तो दो 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 मतलब एनिमेशन तो फ्री में मिले ठीक है। या तो फिर आपको क्या करना पड़े, ये जो सर प्रो वाले हैं जो ये एसेंशियल उनका प्रो वर्जन परचेस करना पड़े तो सारे वर्क करेंगे ठीक है। इसको प्रीव्यू चेंजेस में हम देखते हैं कैसे वर्क कर रहा है ठीक है। अभी शायद एक और है लास्ट में, वो भी देख लेते हैं, फिलहाल अभी ये देखते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। अच्छा ये तो फिर क्लिक करने के बाद तो वो इजी पेज पे आएगा, ये सही है, ये वाली आपको मतलब बटन ऐड करना, तो ये वाली एनिमेशन काफ़ी सही लगी मुझे, ये वाली और ये फर्स्ट वन जो है, ये भी सही है। और अभी एक लास्ट वन है, शायद वर्क करे, देख लेते वर्क करेगी या नहीं। हाँ ये इसने वर्क किया, तो अपडेट कर लेते हैं और प्रीव्यू चेंजेस में देखते हैं। अच्छा रिफ्रेश हो गया, हाँ देख पा रहा, ये अच्छा है चीज़, ये एनिमेशन काफ़ी सही लग रहा है, ये भी अच्छा है। और ये हमने थर्ड वन यूज़ किया था ना, ये थर्ड वन या फोर्थ वन जो भी था,
ये भी अच्छा है। बाकी पता नहीं क्यों ये दोनों वर्क नहीं कर रहे हैं, पर लेकिन तीन चीज़ें वर्क करिए, पर तीन भी काफ़ी सही है। जो सिंपल वाला जो एलिमेंटर का बटन है उससे तो अच्छी है, ठीक है। फिर यहाँ से स्टाइलिंग वगैरह, यूज़ ग्रेडियंट बैकग्राउंड, फिर नॉर्मल पे कलर क्या, फिर होवर पे कलर क्या, ठीक है। फिर बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर टाइप, बटन का अलाइनमेंट, सेंटर दे दो सेंटर में आ जाएगा। फिर विथ वगैरह, आप मतलब पूरा बड़ा बटन चाहिए तो फिर आपके सेट कर मतलब उसकी पोजीशन, मतलब उसकी टोटल विथ, फिर टाइपोग्राफी, बटन की पेडिंग, फिर बटन का बॉक्स शेडो देना है तो बॉक्स शेडो देख पा रहे हो, बॉक्स शेडो जैसे क्लिक किया तो ये डिफॉल्ट का जो शेडो रहता है वो आ गया, ठीक है। फिर एडवांस में तो वही सेम चीज़ रहेगा, पूरे मॉड्यूल को पेडिंग, मार्जिन वगैरह, अलाइनमेंट वगैरह, क्या शेप क्या चाहिए, ठीक है, आपको साइज़ वगैरह, ओके। तो स्टाइलिंग में भी काफ़ी ऑप्शन है कि आप बटन की टेक्स्ट वगैरह जो है, ठीक है, टाइपोग्राफी वो भी चेंज कर सकते हो, और उसकी कलर वगैरह वो भी मतलब और पे इफेक्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इस तरीके का जैसे कि आपको ऐड करना हो, ठीक है, तो आप कैसे एक क्रिएटिव बटन ऐड कर सकते हो, वो हमने कैसे ऐड किया, क्योंकि एसेंशियल एड ऑन जो फ्री मॉड्यूल है, ठीक है, उसका यूज़ करके हमने बनाया, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी किसी एक नई वीडियो में। अगर वीडियो वगैरह पसंद आ रही है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय।